काही रहूं, देख काही रहूं, मीठे बाबा तुम्हें एक पल भी ना अपनी पलके झुके। देख काही रहूं मीठे बाबा तुम्हें एक पल भी ना अपनी पलके झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे। ओम शांति। आज की तारीख है 4/6/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। जो कि हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं, वो कहते हैं मीठे बच्चे, तुम सब का प्राण आधार आया है। हम सभी का प्राण आधार माना आत्माओं का आधार, जो तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने आया है। जम घटों के पीड़ा से छुड़ाने माना जो भी धर्मराज की सजाएं हैं, जो कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर मिलनी है, उनसे छुड़ाने के लिए आए हैं। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते हैं और वह सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी उसे नहीं समझना। प्रश्न है, इस राज योग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? राज योग को निरंतर योग, सहज योग, स्वतः योग, ऐसे भिन्न भिन्न नाम हम देते हैं, तो कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर है, इस राज योग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राजा राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राज योग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। जो बलि चढ़ता है उसको बल प्राप्त होता है और वही बलवान राजा और रानी बनते हैं और राजाई को प्राप्त करते हैं। गीत बजा है, बहुत ही प्यारा गीत। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। याद करें, भक्ति मार्ग से लेकर के हमने अपने शिव साजन को, अपने शिव प्रीतम को कितना याद किया, कितना पुकारा, और पुकारते पुकारते यही कहा कि अब धरती पर आओ और हमें आकर के मिलो। तो प्रीतम आए हैं और हम बच्चों से मिल भी रहे हैं और हमें बहुत कुछ जो पाना था वो सब हमें प्राप्त करा रहे हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। नंबर दो, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, अचल स्थिति रखनी है, सदा हर्षित रहना है। वरदान है आज का, अमृत वेले से लेकर रात तक के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की
सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे, तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से भी श्रेष्ठ है। कितनी ऊंची प्राप्ति, अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है आज का, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो मैंपन नहीं आएगा, तो मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।